नमस्कार। इस सीरीज के अंदर हम बीएससी पार्ट फर्स्ट अलजेब्रा की स्टडीज कर रहे हैं। कल जो प्रीवियस वीडियो अपन ने दिया था, उस वीडियो के अंदर हमने सहसमुच्चय का अध्ययन किया और सहसमुच्चय के अंदर अपन ने देखा कि G इज ए ग्रुप, H इसका एक सब ग्रुप है, दिस इज द सब ग्रुप एंड दिस इज आवर ग्रुप। तो उस केस के अंदर एच एक्स से जो बनने वाले सेट थे एच वन एक्स, एच टू एक्स, एच थ्री एक्स एंड सो ऑन, ये जो सेट्स हैं इसको हमने कहा कि दिस दक्षिण सह समुच्चय या राइट कोसेट्स। राइट कोसेट्स कहलाता। तो इन कोसेट समुच्चय के अंदर हमने कल ये प्रूव किया कि कोई भी अगर x g में है तब x hx में भी होता है, ये अपन प्रूव कर चुके थे। इसके बाद में हमने प्रूव किया कि g, दिस इज आवर रिजल्ट वन जो अपन प्रूव कर चुके। रिजल्ट टू हमने प्रूव किया कि g इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स और डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स। जितने भी अलग अलग सह समुच्चय हैं, राइट से वाम सह समुच्चय या दक्षिण सह समुच्चय, उन सबका अगर यूनियन ले लें अपन, तो उनका यूनियन वापस जी के बराबर आता है। एक बात और थी कि एच एक्स अगर कोसेट्स है, राइट कोसेट्स है, एच वाई अगर दूसरा राइट कोसेट्स है, तो इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट के अंदर क्या रिलेशन रहेगा, क्या दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होंगे। तो हम देखेंगे कि अगर एच एक्स और एच वाई अगर दो अलग अलग राइट कोसेट्स हैं, तो इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं अगर ये दोनों फाइनाइट सेट है। आपका ग्रुप जो जी है वो फाइनाइट है, तो ऑब्वियसली एच भी फाइनाइट होगा, और उस केस के अंदर इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होंगे। इफ जी इज इनफाइनाइट एंड द कोसेट्स एच एक्स इज ऑल्सो इनफाइनाइट, एच वाई इज ऑल्सो इनफाइनाइट, तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है। लेकिन हाँ, उस केस के अंदर हम एच एक्स इक्वल टू एच वाई को करेंगे, एकिक संगतता इनके बीच के अंदर विद्यमान होगी। चलिए अपन इसको लिखते हैं, प्रूव करते हैं कि अगर जी एक ग्रुप है माना जी एक समूह है तथा एच जी का एक उपसमूह है, तब एच एक्स एच वाई एच एक्स एच एंड थर्ड रिजल्ट एक्स एच एंड एच वाई कि चाहे वो लेफ्ट कोसेट्स हो या राइट कोसेट्स हो, उनके अंदर भी एक एक संगतता रहेगी। किसी दो सेट के अंदर एक एक संगतता तब होती है कि ए और बी के अंदर वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस है। इसका मतलब कोई एक मैपिंग होगी जो ए से बी के अंदर परिभाषित होगी, और एफ आपकी वन वन है और एफ अपना ऑन टू है, मतलब एक एक ही है मैपिंग अपनी। और अगर मैपिंग आच्छादक है तो हम कहते हैं कि इन दोनों सेट के बीच के अंदर एक एक संगतता है कि एक एलिमेंट इस सेट के लिए तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इस सेट में रहेगा, इसके हर एक एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग यूनिक इधर इधर भी होगा। तो चलिए अपन प्रूव करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। एच एक्स बराबर इक्वल टू एच वाई, ये प्रूव करना है अपन को। तो हम मैपिंग डिफाइन करेंगे
जैसे मैंने बताया कि ए बी के बीच एक संगतता होती है, अगर वहाँ कोई एक मैपिंग डिफाइन कर सके तो एफ एच एक्स से एच वाई में परिभाषित कर रहे हैं और इसके एलिमेंट इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि किसी भी एच एक्स की इमेज जो है वो एच वाई है, तो ऑब्वियसली एच एक्स इस सेट का एलिमेंट होगा जहां एच जो है आपका इस एच का कोई सामान्य एलिमेंट है। तो एच एक्स इस सेट के अंदर आएगा और एच वाई इस सेट के अंदर होगा। अब क्या ये मैपिंग 1-1 और 1-2 है या नहीं, ये अपन प्रूव करना है। तो 1-1 के लिए दो एलिमेंट उठाते हैं अपने सेट के, इस सेट के माना एच वन एक्स तथा एच टू एक्स, एच एक्स के दो हुए। कोई भी अगर ये दो अवयव हैं तो उस केस के अंदर ये मान लें कि एफ एच वन एक्स इज इक्वल टू एफ एच टू एक्स, ये मान लें। लेकिन एफ एच वन एक्स का मान आएगा एच वन वाई और यहां से आ जाएगा आपके पास एच टू वाई, तो यहां से आ जाएगा एच वन बराबर एच टू, क्योंकि जो आपका एच वन है, एच टू है या वाई है, एक्स है, ये सब किसके एलिमेंट है, सारे के सारे जी के एलिमेंट है और जी के अंदर निरसन का नियम लागू होता है, कैंसिलेशन लॉ लागू होता है। तो ये निरसन नियम से एच वन बराबर एच टू, और जब एच वन बराबर एच टू है इसका मतलब मैं एच वन के इस साइड में एक्स ऑपरेट कर दूं, एच टू के इस साइड में एक्स ऑपरेट कर दूं, तो ये दोनों एलिमेंट बराबर है। तो किन्हीं दो अवयवों की अगर इमेज समान है तो दोनों अवयव भी समान है, इसका मतलब एफ एक की है या एफ वन वन है। अच्छा दर्ज या ओन टू, ओन टू के लिए हम क्या करते हैं कि इस सेट का एक एलिमेंट लेते हैं और उसकी प्री इमेज पूर्व प्रतिबंध इस समुच्चय में दर्शाते हैं। तो इस सेट का कोई दूसरा एलिमेंट लेंगे फॉर ओन टू, चलिए टू प्रूव ओन टू या अच्छा दर माना इस सेट का एलिमेंट लेना अपने, तो माना एच वाई इज द एलिमेंट ऑफ एच ऑफ वाई, जहां जो एच है वो आपका एच का एलिमेंट है, क्योंकि वाई तो फिक्स एलिमेंट है, कोई दो एलिमेंट है एक्स और वाई, यहां पर एक्स और वाई बिलोंग्स टू जी के लिए चल रहा है, तो वाई फिक्स एलिमेंट है, तो ये एच आपका वेरी कर रहा है यहां पर इस एच वाई के अंदर, एच वन वाई, एच टू वाई, एच थ्री वाई, उनमें से कोई एक एलिमेंट आपने एच वाई उठाया। तो जब एच वाई इसका कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं तो इस सेट का कोई भी एक एलिमेंट होगा उसके दो पार्ट होंगे, पहला पार्ट इस एच से आएगा, दूसरा पार्ट वाई रहेगा। तो ये जो पहला पार्ट एच है ये चूंकि एच में है, अतः मैं एक बार इसको एच वन ले लेता हूँ, कुछ ज्यादा क्लियर हो जाए आपके पास, कोई एक एलिमेंट आपने एच वन उठाया, अतः एच वन एक्स स्पष्ट है एच एक्स में होगा, जहां मैं इस एलिमेंट की अगर इमेज देखूं तो मेरी इमेज क्या रहेगी, फंक्शन का फार्मूला ये है, तो दिस इज एच वन वाई, क्योंकि हम कह रहे हैं एच एक्स इमेज एच वाई बन जाती है। तो ये जो एच वन वाई इमेज एलिमेंट लिया इसके लिए एच वन एक्स एच एक्स में है, तो प्रत्येक एच वन वाई बिलोंग्स टू एच वाई का पूर्व प्रतिबिंब एच वन एक्स एच एक्स में विद्यमान है, और जो ही आपके पास किसी एलिमेंट का इस सेट के एलिमेंट का जो रेंज सेट है उसके हर एलिमेंट का प्री इमेज या पूर्व प्रतिबिंब डोमेन सेट के अंदर आ जाता है, इसका मतलब हमारी जो मैपिंग है वो आच्छादक है या ऑन टू है। तो चूंकि यहाँ एफ वन वन भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज एफ इज
11 and on 2. It means HX और HY के अंदर एक एक संगतता है कि इस सेट के हर एलिमेंट के लिए इधर एक इमेज है और इस सेट इधर के सेट के एलिमेंट हर एक एलिमेंट के लिए इधर एक पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास विद्यमान है। तो कहने का मतलब यदि H फाइनाइट है तो उस केस के अंदर HX और HY के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर बराबर है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इधर के सेट के हर एक एलिमेंट के लिए उधर एक निश्चित एलिमेंट फिक्स है और उधर के हर एलिमेंट के लिए इधर एक निश्चित एलिमेंट फिक्स है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है। अगर ये फाइनाइट है तो हम कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, दोनों सेट के HX और HY के आपके पास ऑर्डर सेम है, और अगर ये इनफाइनाइट है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एक एक संगतता है। ठीक इसी तरह से अपन प्रूव कर सकते हैं एक्स एच बराबर एच वाई और एच एक्स इज एच, ये भी अपन बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। या मैपिंग अपन इस तरह मान लेंगे कि एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम दिस सेट एच एक्स टू एच, और इमेज क्या कहेंगे कि एफ ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू इसका जो भी जनरल एलिमेंट है एलिमेंट इमेज दिस वन, तो ये एलिमेंट इस सेट में है। तो इसके हिसाब से f of h1 x की इमेज h1, f of h2 x की इमेज h2, और इस प्रकार इमेज लेंगे। तो यहाँ ये भी अपने पास 11 और on 2 है कि अगर दो एलिमेंट लेते हैं माना h1x और h2x, hx से कोई दो एलिमेंट है जहाँ f of h1x बराबर f of h2x है, तो उस स्थिति में मेरे पास आ जाएगा इसकी h1x की इमेज, मैं कह रहा हूँ h1 होती है और h2x की इमेज h2 होती है। फलन का परिभाषा अपने कुछ इस तरह से दी है कि f of hx की इमेज जो है h है, तो h1x की इमेज h1 आ जाएगी। तो h1 h2 के बराबर है इसलिए इधर मैं x को ऑपरेट कर दूँ, इधर भी x को ऑपरेट कर दूँ, तो इधर तो दो अवयवों की अगर इमेज बराबर है तो दोनों अवयव भी बराबर है। इसका मतलब f is on one, one on. इसी प्रकार यदि कोई भी h h में है तब hx इस hx में होगा ये अवयव, और f of hx का मान एच रहेगा। तो मैं कोई भी एच इस सेट का लेता हूं तो उसका पूर्व प्रतिबिंब एच एक्स इस सेट में विद्यमान है, इस सेट के अंदर विद्यमान है। तो प्रत्येक एच बिलोंग्स टू एच के लिए एच एक्स बिलोंग्स टू एच एक्स है, इसका मतलब एफ इज ऑन टू, तो एफ आपका वन वन है, एफ ऑन टू है, इसका मतलब एच एक्स और एच के इसमें एक एक संगतता है। इसी प्रकार पर तीसरे वाली प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं, तो उसको आप करना कुछ जब अपने कल प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने देखा था कि जो कोसेट्स हैं उन कोसेट्स के अंदर कोई भी अवयव कॉमन नहीं होता है या फिर सारे अवयव कॉमन होते हैं, मतलब कोई भी दो कोसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल और दे आर डिसजॉइंट्स, ये अपन ने कल एग्जाम्पल से देखा था, आज इसको अपन प्रूव करते हैं। एनी टू लेफ्ट और वी कैन टेक राइट आल्सो, एनी टू लेफ्ट कोसेट्स of a group are either identical or disjoint. हम कह रहे हैं किसी भी समूह में
समूह के दो उपसमुच्चय या तो सर्वसम होते हैं अथवा ऐसे ये थ्योरम अपने पास मान लेते हैं कि माना माना जी एक समूह है तथा एच जी का एक उपसमूह है दो एलिमेंट उठाते हैं माना ए और बी बिलोंग्स टू जी तब एच ए और एच बी दो जी के दो एच के जी में सहसमुच्चय और वो भी कौन से लिए अपने दक्षिण है दो सहसमुच्चय अपने कंसीडर किया एच ए और एच बी देखिए अब दो केस बनते हैं केस फर्स्ट एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज इक्वल टू फाइव और केस सेकंड मैं मानते हैं अपन एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज नॉट इक्वल टू फाइव दो सेट है एच ए एक सेट है एच बी एक दूसरा सेट है तो या तो दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे या फिर नहीं होंगे अगर एच ए बराबर एच बी है तो इस स्थिति में प्रमेय सिद्ध होगी प्रमेय भी यही कह रही है दो जो सहसमुच्चय हैं दो सहसमुच्चय होगा उपसमुच्चय नहीं दो सहसमुच्चय या तो सर्वसम होते हैं या तो संयुक्त होते हैं तो प्रमेय भी कह रही है कि दो सहसमुच्चय या तो सर्वसम होते हैं या संयुक्त होते हैं तो एच ए इंटरसेक्शन एच बी इक्वल फाइव इसका मतलब दोनों सहसमुच्चय संयुक्त हो गए आपके दोनों सह समुच्चय इस केस में असंयुक्त आ गए और प्रमेय आपकी सिद्ध होगी अब अगर ये एच ए इंटरसेक्शन एच बी नॉट इक्वल टू फाइव है उस केस में ये होगा कि दोनों में कोई ना कोई एक एलिमेंट कॉमन होगा तो मान लिया इस स्थिति में केस सेकंड में माना x एक ऐसा एलिमेंट है जो एच ए में भी है और एच बी में भी है तो अगर x एच ए में है तो x की जो फॉर्मेशन रहेगी x बिलोंग्स टू एच ए इसका मतलब कि एच ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है या जो एलिमेंट की फॉर्मेशन है वो इस तरह की एच वन ए एच टू ए एच थ्री ए इस टाइप का एलिमेंट है तो उन्हीं में से किसी एलिमेंट के x बराबर आएगा तो हम कहेंगे This implies there exists एक element H H में आएगा ताकि ये जो X है ये इस H1A के बराबर होगा क्योंकि X इस सेट में है और इस सेट का हर एलिमेंट की फॉर्मेशन आपके पास इस टाइप की रहेगी तो इसलिए X आपका H1A टाइप का एलिमेंट होगा इसी प्रकार यदि एक्स एच बी में है तब कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट एच टू का इस सेट एच का एच टू होगा
ताकि आपका जो x है ये एच टू बी के बराबर हो। क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये एलिमेंट x इस सेट एच बी में और इस सेट के जो एलिमेंट एलिमेंट्स हैं उनकी फॉर्मेशन एच वन बी एच टू बी एच थ्री बी एच फोर बी टाइप की है, इसलिए ये एक्स बी किन्हीं एच वन बी एच टू बी एच थ्री बी एच फोर बी किसी एक ओयू के बराबर होगा। तो हमने मान लिया कि ये एक्स अपना एच टू बी के बराबर है, तो एक्स का मान एच वन ए आ रहा है और एक्स का मान एच टू बी आ रहा है। तो कुछ अपन इस तरह से लिख रहे हैं कि एक्स मेरा एच वन ए के बराबर और एच टू बी के बराबर है। ये अवयव तो एच ए का है और ये अवयव एच बी का है। तो यहां से मेरे पास चूंकि एच वन ए बराबर है एच टू बी, तो मैं इसके अगर इस साइड में एच वन इनवर्स ऑपरेट कर लेता हूं, इस साइड में भी एच वन इनवर्स ऑपरेट कर लेता हूं, तो मेरे पास बचता है ए बराबर एच वन इनवर्स एच टू बी। इसी प्रकार इस एच वन ए बराबर एच टू बी में मैं दोनों तरफ एच टू इनवर्स ऑपरेट कर लूं तो मेरे पास बी का मान आएगा इसी प्रकार बी मेरा आ जाएगा एच टू इनवर्स एच वन ए, क्योंकि ये जो एच वन ए बराबर एच टू बी है मैं इसके इधर भी एच टू इनवर्स ऑपरेट करूंगा इधर भी एच टू इनवर्स ऑपरेट करूंगा तो ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा, तो बी बराबर एच टू इनवर्स एच वन ए ये आ जाएगा। तो ए का मान ये आ गया, एक बी का मान ये आ गया। चलिए अपन को प्रूव करना था कि यदि एच ए और एच बी के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन है तो फिर उस स्थिति के अंदर वो सर्वसम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, कि एच ए और एच बी बराबर है। मतलब इस स्थिति के अंदर हमें सिद्ध करना है कि एच ए एच बी के बराबर है, और एच ए एच बी दो समुच्चय है तो दो समुच्चय कब बराबर होते हैं अपन को यहां सिद्ध करना है। एच ए बराबर एच बी, तो ये सेट इसका सबसेट और ये सेट इसका सबसेट हो, ये सिद्ध कर दें। तो ये अपन चलिए प्रूव करते हैं, इसका कोई एक एलिमेंट उठाते हैं, माना इसका एक एलिमेंट उठाया मैंने एच थ्री ए, कोई एक एलिमेंट है मेरा इस एच ए का, जहां एच थ्री कहां से आ रहा है, इस सेट का एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट मैंने ऐसे उठाया है कि एच थ्री है मेरा इस सेट का एलिमेंट है। और एच थ्री की जगह मैं सीधा ए भी लिख सकता हूँ, क्यों एच थ्री लिखूँ, सीधा एच लिख देता हूँ, इसलिए एच ए मेरा इस सेट का एक एलिमेंट है, इस समुच्चय का एक एलिमेंट है, जहाँ एच आपका एच से आ रहा है। तो ये एलिमेंट मैं इस सेट के अंदर लाऊंगा, इस सेट का एलिमेंट उठाया है, तो इस एच ए को मैं कुछ इस तरह से लिखना चाहूंगा कि वो एच बी में लिखे, और एच ए जो ए है मेरा उसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली थी कि ए एच इनवर्स एच टू बी के बराबर है, ये भी लिखा है अपन ने कि ए का मान ये है। तो यहां से ये आ गया कि दिस एच ऑफ दिस वन एच ए मेरा ये बन गया एच एच वन इनवर्स एच टू एंड बी, साथ से ही तो लागू है एसोसिएटिविटी। हाँ, तो हमने ग्रुप को शिफ्ट कर दिया, लेकिन एच किसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट एच का है, ये एलिमेंट भी एच का है, ये एलिमेंट भी एच का है, तो तीनों एलिमेंट आपस में एच के एलिमेंट आपस में ऑपरेट हो रहे हैं तो एच के अंदर रहेंगे, तो ये एक एच का एलिमेंट हो गया और ये बी का एलिमेंट हो गया। तो चूंकि एच वन एच और एच टू तीनों ही एच में है, अतः ये जो एलिमेंट है एच एच वन इनवर्स एच टू बी एच में रहेगा। यहां तो तीन अलग अलग एलिमेंट लिख रहे हैं अपन, ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट, तीनों एलिमेंट इस सेट एच के हैं,
और इस सेट एच के हैं, इसलिए इन तीनों को आपस में कैसे भी ऑपरेट कर दें तो ये वापस एच में रहेगा। तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा एलिमेंट, ये एलिमेंट एच का है, तो ये एच का एलिमेंट एंड देन बी, इसका मतलब ये एलिमेंट जो आ रहा है ये मेरा एच बी में मिलेगा, क्योंकि ये एलिमेंट तो एच का है और ये बी ऑपरेट हो रहा है उस पर, तो ये एच में रहेगा। तो ये जो एच ए जो था ये किस में आ गया, एच बी में। तो एच से एलिमेंट लिया इस सेट का, इस सेट का एलिमेंट आ गया एच बी में, इसका मतलब एच ए इज सबसेट ऑफ एच बी। दूसरा प्रूव करते हैं अपन कि एच बी इज सबसेट ऑफ एच ए। तो एच बी इज सबसेट ऑफ एच ए प्रूव करने के लिए अब इसको इसका सबसेट प्रूव करना है, तो कोई एक एलिमेंट एच बी आपने उठाया इस सेट का, जहां एच एच में से आ रहा है, तो एच बी इज नथिंग बट द एच, और बी का मैं मान रख देता हूं एस टू इनवर्स एच वन ए, क्योंकि बी तो इसके बराबर है, और साथ से एच एच टू इनवर्स एच वन एंड ए, ये एलिमेंट एच का है, ये एलिमेंट ए है, तो दिस होल एलिमेंट इज बिलोंग्स टू एच ए। तो ये जो एच बी एलिमेंट लिया, ये एच बी एच ए में आ गया, इसका मतलब इस सेट का एक जनरल एलिमेंट लिया था जो इस सेट में है, इट मीन्स एच बी इज सबसेट ऑफ एच ए। एक बार हमने प्रूव किया कि एच ए इज ए सबसेट ऑफ एच बी, अब क्या कि एच बी इज ए सबसेट ऑफ एच ए, इट मीन्स दिस इंप्लाइज एच ए बराबर एच बी। कि अगर कोई दो सह समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन आ जाता है तो उस स्थिति में दोनों सेट बराबर होंगे। तो कोई भी दो कोसेट्स या तो आइडेंटिकल होते हैं और या फिर डिसजॉइंट होते हैं। तो अब तक अपन ने जो जो एग्जांपल्स के अंदर रिजल्ट्स देखे थे वो लगभग सारे प्रूव कर लिए कि अगर x कोई भी एलिमेंट है जी का, तो आपका x हमेशा एच एक्स में रहेगा। दूसरा अपन ने प्रूव किया कि जी इज द यूनियन ऑफ एच एक्स। फिर हमने ये प्रूव कर दिया कि एच एक्स और एच वाई के अंदर एकिक संगतता होती है। उसके बाद के अंदर ये प्रूव कर लिया कि कोई भी दो कोसेट्स या तो आइडेंटिकल होते हैं और या फिर डिसजॉइंट होते हैं। और एक और है, एच इटसेल्फ इज ए कोसेट, एच भी एक सहसमुच्चय होता है। कैसे कि एच एच, अगर एच कोई भी एच का अवयव है तो उस केस के अंदर ये सहसमुच्चय होगा, क्योंकि एच अगर एच का अवयव है तो स्पष्ट है जी का भी है, क्योंकि ये सेट ही जी में है, तो ये एक सहसमुच्चय बन गया। और इसके अंदर ये खुद एच का एलिमेंट है, एच के एलिमेंट पर ही ऑपरेट हो रहा है, और ऑब्वियसली एच से बाहर नहीं जा सकता कोई भी अवयव, एच वन एच एच टू एच एच थ्री एच सारे के सारे एच से मिलेंगे। और अभी अपन ने प्रूव किया कि दो कोसेट्स या तो आइडेंटिकल होते हैं और या डिसजॉइंट होते हैं, तो अपन कह भी सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि एच बराबर एच एच रहेगा, एच बराबर एच एच रहेगा अगर आपका एच कहाँ से आ रहा है, इस सेट एच में से आ रहा है। इसी प्रकार इसका मतलब एच खुद भी एक कोसेट्स है, क्योंकि एच 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 के बराबर है, एच एच के बराबर नहीं है, अपन ये कह सकते हैं कि एच एच वन के बराबर भी है, एच एच टू से बनने वाला सेट भी एच के बराबर ही रहेगा, एच एच थ्री से बनने वाला सेट भी एच के बराबर ही रहेगा, और एच ई को भी अगर कंसिडर करें आप, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वो एलिमेंट भी क्या रहेगा आपका, ऑब्वियसली एच ही रहेगा, जहां ई आपका जी में भी है और ई आपका एच में भी है, तत्समक हो गया ग्रुप का। तो हमें पता है कि एच ई हमेशा एच होता है, इसको अपन यूज करेंगे बार बार। अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की बात करेंगे, दैट इज द लैग्रांजेस थ्योरम्स,
जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।